जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने इस YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को चेन के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप एक लैंड सर्वेयर हैं और फील्ड में अगर काम करते हैं तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये चेन किससे बना होता है, किसने बनाया है, इसके बारे में डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जानना आपको बेहद ही ज़रूरी है। चेन कितने प्रकार के होते हैं और ये कितने लंबाई होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, जानकारी अच्छी मिलेगी और फील्ड के नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को जानकारी देता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो चेन है ये चार प्रकार की चेन होती है। सबसे पहली चेन जो है गंटूर चेन, ठीक है, जिसको सर्वेयर चेन भी बोला जाता है। उसके बाद आती है इंजीनियरिंग चेन, उसके बाद आती है रेवेन्यू चेन, उसके बाद आती है मीटर चेन, ठीक है। ये चार तरह की जो चेन है ये चेन फील्ड में काम आती है। एक एक करके थोड़ा डिटेल्स में इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले चेन है गंटूर चेन। गंटूर चेन इसकी लंबाई 66 फुट की होती है, 66 फुट लंबाई होती है, ठीक है, और इसमें 100 कड़ी होती है। 100 कड़ी जो लिंक्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि चेन किस तरह की होती है और इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो गंटूर चेन जो होती है ये 66 फुट लंबी होती है और 100 कड़ी होती है। हर एक कड़ी की जो लंबाई है वो 0.66 फीट और 7.92 इंचेस होती है, ठीक है, या लगभग इसको 8 इंच भी बोला जाता है या फिर करते हैं, ठीक है। और इसको जो है ना 10 घंटा चेन बराबर 1 माइल के बराबर होती है और 80 घंटा चेन 1 फरलांग के बराबर होती है, ठीक है। और मैक्सिमम जो फील्ड में यूज होती है यही घंटा चेन ही यूज की जाती है, ठीक है। आगे थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद आती है इंजीनियरिंग चेन। इंजीनियरिंग चेन जो होती है ये 100 फीट की होती है और हर एक कड़ी की जो लंबाई होती है वह 1 फीट होती है। 100 फीट की चेन है और हर एक कड़ी की जो लंबाई है वो 1 फीट होती है, ठीक है। इतना ही जानना आपका ज़रूरी है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। जो फील्ड में काम आती है वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आती है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन जो होती है 33 फीट की होती है और ये इसमें 16 लिंक्स होती है। कितना लिंक्स होती है, कितना कड़ी होती है, 16 वो लिंक होती है और हर एक लिंक्स की जो लंबाई होती है 2.1/16 होती है, ठीक है। इसके बाद आती है मीटर चेन। मीटर चेन आपका 5, 10, 20, 30 इस तरह के मीटर में ये चेन आती हैं, ठीक है। ये था चेन का थोड़ा डिस्कशन और इतना ही जानना आपको ज़रूरी है। मैक्सिमम जो फील्ड में यूज होता है गंटर चेन ही यूज की जाती है मैक्सिमम। एक अमीन जो फील्ड में अपना काम को प्रोसेस करता है और इस काम से वो जाना जाता है तो इसी गंटर चेन को फील्ड में ले जा करके वो लैंड को मेजरमेंट करते हैं और उसको बताते हैं कि आपका जो ज़मीन है इतना डिसमिल हुआ है, इतना कट्ठा है, इस तरह से वो काम करते हैं। बट जो अभी का जो टाइम है ये थोड़ा डेवलप हो गया, थोड़ा जो कहते हैं ना लेटेस्ट वर्जन, तो इसको अब फीता के थ्रू किया जा रहा है। फीता यानी टेप, ठीक है, मैं वो भी स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, वो भी देख सकते हैं। इस टेप के माध्यम से अभी लैंड मेजरमेंट की जा रही है और इससे ज़्यादा सुविधा भी होती है क्योंकि कड़ी को फीट में बदलना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इतना समझ लीजिए ना, एक जो कड़ी होती है गंटूर चेन में, एक कड़ी की जो लंबाई होती है 0.66 फीट होती है, ठीक है, और 7.92 इंच यानी 8 इंच के बराबर होती है। तो इससे भी आप कड़ी को फीट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका पास अगर 10 चेन हुआ, ठीक है, 10 चेन हुआ तो 10 चेन का मतलब कितना फीट हो जाएगा, तो आप उसमें 0.66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 660 फीट होगा। 10 चेन में कितना फीट होगा, 660 फीट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। अगर आप फील्ड में काम करते हैं या फिर कहीं से ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं आप लोगों को फील्ड का नॉलेज लैंड सर्वेयर का मैं देता रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।